Gulab Study Classes. हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का गुलाब स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समांतर माध्य देखेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्त। देखो, ये कक्षा दसवीं का अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण, जिसमें हम लोग समांतर माध्य का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो समांतर माध्य को ही औसत बोला जाता है। तो औसत का डिफिनेशन, देखो, आंकड़ों को जोड़कर कुल आंकड़ों की संख्या से भाग देते हैं, उन्हें समांतर माध्य या फिर औसत बोला जाता है। आंकड़ों जितना भी रहेगा उनको जोड़ा जाता है और कुल आंकड़ों की संख्या से भाग दिया जाता है, उन्हें समांतर माध्य बोला जाता है या फिर औसत कहा जाता है। जैसे कि इसका फार्मूला है, समांतर माध्य का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग। ठीक है, आंकड़ों का कुल योग किया जाता है, जितना भी आंकड़े रहते हैं उसका, और फिर आंकड़ों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि समांतर माध्य होता क्या है। एग्जांपल लिख देता हूँ, आंकड़ा 2, 4, 7, 8 और 9। मान लीजिए यह आंकड़े दिए हुए हैं, तो इसमें आंकड़े कितना दिए हैं, आंकड़ों की कुल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात आंकड़ों की कुल संख्या दिया है 5। ठीक है, अब उसके बाद समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य यहाँ पर देखो, आंकड़ों का कुल योग करना है, तो जितना भी आंकड़े दिए हैं उसका योग कर देते हैं। 2 + 4 + 7 + 8 + 9 / आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या 5 है, 5 से डिवाइड कर देते हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो ये कुल आ जाता है 30/5। ठीक है, अब इसको भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, अर्थात इन आंकड़ों का जो समांतर माध्य होगा 6 होगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर देखते हैं औसत का ही दूसरा उदाहरण, जिसमें और समांतर माध्य क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो, 7 कर्मचारियों के वेतन के आंकड़े दिए हुए हैं। तो पहला आंकड़ा है 1400, 1500 और 8400, 8700, 9000, 9200, 9400, इन आंकड़ों का औसत बताना है। तो हम जानते हैं कि औसत निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले औसत लिख देना है, औसत को ही समांतर माध्य बोला जाता है। इन आंकड़ों को जोड़ा जाता है, कुल जो आंकड़ा दिया रहता है उसे जोड़ेंगे। तो जोड़ लेते हैं, 1400 प्लस 1500 प्लस ये 8400 प्लस 8700, फिर प्लस ये 9000 प्लस 9200 प्लस और ये 9400, कुल आंकड़ों को जोड़ दिए हैं, फिर कुल आंकड़ों की संख्या से भाग दिया जाता है। तो कुल कितने आंकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आंकड़े हैं, तो ये 7 से भाग दे देना है। ठीक है, अब इसको कुल जोड़ने पर ये आता है 47600/7। ठीक है, अब इससे 7 से डिवाइड देने पर ये आ जाएगा 6800। 6800 रुपये, यही जो है इन आंकड़ों का औसत है, अर्थात समांतर माध्य है। ठीक है, फिर देखें औसत का ही तीसरा उदाहरण, जो कि पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो तीसरा उदाहरण का क्वेश्चन है, दिए गए प्रेक्षणों का औसत 36 है। इसमें औसत का मान दे दिया है 36, अज्ञात प्रेक्षण एप ज्ञात कीजिए। तो इन आंकड़ों में देखो, एप का वैल्यू नहीं पता है, हमें इसी एप का मान ज्ञात करना है। तो औसत के माध्यम से इस एप का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो औसत
का फार्मूला जानते हैं कि इन कुल आंकड़ों का योग किया जाता है और इन आंकड़ों की संख्या का भाग दे दिया जाता है। तो औसत निकाल लेते हैं, इन आंकड़ों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन आंकड़ों को जोड़ लिया हूं और फिर इसके बटे में होगा इन आंकड़ों की संख्या। कुल संख्या कितना है देख लो, 1, 2, 3, 4 और 5, अर्थात 5 से भाग दे देना है। अब उसके पश्चात इनको जोड़ना है, एक को छोड़ दो, बाकी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 145, 145 फिर प्लस एफ बटे में 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है औसत का मान 36 दिया है, तो इस औसत की वैल्यू यहाँ पर रख देना है 36। ठीक है, अब इसके पश्चात तिरिया गुणा कर देना है, 36 × 5 इक्वल आ जाएगा 145 प्लस एफ, एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 180 इक्वल टू 145 प्लस एफ। ठीक है, अब यहाँ पर 145 को पक्षांतर करेंगे तो एफ की वैल्यू मिल जाएगी, एफ इक्वल 145 180 में 145 घटा देंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 35। यही इन आंकड़ों में एफ की वैल्यू 35 मिल गया है, एफ का मान 35, यही अज्ञात प्रेक्षण एफ का मान है 35। ठीक है, फिर औसत का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनकी औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन सी है, तो हम लोग जानते हैं 10 सम संख्याएं जो 2 से भाग चला जाए वह सम संख्या कहलाती है, पर इस क्वेश्चन में बोला है कि सबसे पहली 10 सम संख्याएं, तो सबसे पहली 10 सम संख्याएं होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी, 14 होगी, 16 होगी, 18 होगी और 20 होगी, यही सबसे पहली 10 सम संख्याएं हैं। ठीक है, इन्हीं का औसत ज्ञात करना है। तो औसत हम लोग जानते हैं, औसत इक्वल होता है इन सभी आंकड़ाओं का योग होता है और इन आंकड़ों की कुल संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। तो जोड़ लेते हैं, 2 + 4 + 6 सभी आंकड़ों को यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, ठीक है, सभी आंकड़ों को जोड़ दिया। फिर उसके पश्चात इन आंकड़ों की कुल संख्या कितना है, 10 है। ठीक है, तो इसमें 10 से भाग दे देना है। अब इन आंकड़ों को जोड़ने पर ये आ जाता है 110, ठीक है, बटे में 10, इसको भाग देने पर आ जाएगा 11, अर्थात सभी जो है सबसे पहली 10 सम संख्याएं हैं इन आंकड़ों का औसत आ जाता है 11, यही आंसर है। ठीक है,